फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म लियो का ट्रेलर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। जी हां, लियो के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि थलापति विजय की फिल्म लियो का ट्रेलर हमें 5 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेगा। पर अभी तक मेकर्स ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि क्या 5 अक्टूबर 2023 को ही लियो के साउथ वर्जन के ट्रेलर के साथ हिंदी वर्जन का भी ट्रेलर देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि लियो के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर यानी गोल्ड माइंस के द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई भी पोस्ट नहीं किया गया है। तो देखना होगा कि क्या 5 अक्टूबर 2023 को लियो के साउथ वर्जन के ट्रेलर के साथ हिंदी वर्जन का भी ट्रेलर देखने को मिलता है या नहीं। आपको बता दें, लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को तमिल के साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे थलापति विजय और उनकी आने वाली फिल्म लियो के बारे में? ब्लडी स्वीट। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स की रिलीज डेट को एक छोटे से वीडियो के साथ अनाउंस किया गया है। आपको बता दें, अक्षय कुमार की ये फिल्म हमें 2 अक्टूबर 2024 को देखने को मिलेगी। स्काई फोर्स एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और वहीं इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जिसमें हमें भारत के पहले एयर स्ट्राइक के बारे में दिखाया जाएगा। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्टर संदीप केलवानी और अभिषेक कपूर डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ सारा अली खान और निमृत कौर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे अक्षय कुमार और उनकी आने वाली फिल्म स्काई फोर्स के बारे में? सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। लियो के बाद थलापति विजय की आने वाली फिल्म थलापति 68 की पूजा आज यानी 2 अक्टूबर 2023 को की गई है। और वहीं कहा जा रहा है कि कल यानी 3 अक्टूबर 2023 से थलापति 68 की रेगुलर शूटिंग स्टार्ट होगी, जहां मेकर सबसे पहले इस फिल्म के गाने को शूट करने वाले हैं। आपको बता दें, थलापति 68 एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें थलापति विजय के साथ मीनाक्षी चौधरी लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें, अभी तक बाकी कास्ट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर मेकर्स ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म से जुड़े बाकी स्टार कास्ट के अनाउंसमेंट जल्दी देखने को मिलेगी। और वहीं थलापति 68 की पूजा की वीडियो और इसके पिक्चर थलापति विजय की फिल्म लियो के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे। और वहीं थलापति विजय की ये फिल्म हमें 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे थलापति विजय और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में? कंगना रनावत की मच अवेटेड फिल्म तेजस के टीजर को रिलीज किया गया है। बात करें टीजर की तो टीजर में हमें ज्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया है, बस हमें टीजर में कंगना रनावत दमदार लुक देखने को मिलता है और उसी के साथ बैकग्राउंड में कंगना द्वारा बोले गए डायलॉग भी दमदार लग रहे हैं। आपको बता दें, तेजस एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर सर्वेश मेहरा ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जिसमें कंगना रनावत तेजस गिल के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगी। और वहीं इस फिल्म का ट्रेलर हमें 8 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेगा और कंगना रनावत की ये फिल्म हमें 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कंगना रनावत और उनकी आने वाली फिल्म तेजस के बारे में? भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। शिवा कार्तिकेयन की मच अवेटेड फिल्म अयलान का टीजर हमें जल्दी देखने को मिलेगा। जी हां, अयलान के म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि अयलान का टीजर हमें 6 अक्टूबर 2023 को देखने को मिलेगा। आपको बता दें, अयलान एक साईफाई फैंटेसी फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर आर रवि कुमार ने डायरेक्ट किया है। और वहीं इस फिल्म में हमें शिवा कार्तिकेयन के साथ रकुल प्रीत, ईशा कोपिकर और शरद केलकर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। और शिवा कार्तिकेयन की ये फिल्म हमें पोंगल 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे शिवा कार्तिकेयन और उनकी आने वाली फिल्म अयलान के बारे में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।